महान परमेश्वर जो हमारा हमेशा हमारे साथ में रहता है, उसका अनुग्रह सदा हमारे जीवन में कार्य करता जाता है और हम प्रतिदिन जीवन की हर एक परिस्थितियों में उन्नति को, सफलता को और जीवन को प्राप्त करते जाते हैं। और आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे मत्ती की पुस्तक उसका 14 अध्याय 15 से लेके 21 पद तक। यहाँ पर एक विशेष घटना है जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित है, 5 रोटी और 2 मछली के विषय में, पर मैं आपके सामने 16 से लेके 18 पद तक को पढ़ूंगी। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम्ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। प्रियो, जब यहाँ पर हम पाते हैं कि जब यीशु मसीह पूरे दिन लोगों के बीच में थे, प्रचार कर रहे थे, लोग उनके वचन को सुन रहे थे, तो शाम के समय क्या होता है कि चेलों को चिंता हुई। वहाँ पर चिंता का विषय ये था, इतने सारे लोगों को खाना कहाँ से खिलाया जाए, क्योंकि वहाँ से गांव जो था, जो बस्ती थी, वो काफ़ी दूर पर थी। और लोगों को, चेलों को इस बात की चिंता थी और कि यहाँ पे जितने लोग हैं इनके लिए खाने का इंतजाम कैसे किया जाए। एक भारी चिंता का विषय है, क्योंकि लोग भूखे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, बहुत बड़ी भीड़ यहाँ पर है, जिसमें मेनली 5,000 तो केवल पुरुष ही हैं, यानी बहुत ज्यादा लोग हुए, और यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और ये चिंतित होते हैं और यीशु मसीह से आकर बात करते हैं कि यहाँ पर क्या करा जाए, यहाँ पर क्या किया जाए। पर यीशु ने क्या किया, यीशु ने उनकी बात सुनी, और यीशु ने उनकी बात सुनने के बाद उनसे कहा कि उनका जाना आवश्यक नहीं कि वो जाए, इतने सारे लोग जाए खाने के लिए खोजे, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही कुछ देखो, तुम ही इंतजाम करो। प्रियो, होता क्या है, हमारे पास में बहुत सारी चिंताओं की वजह होती हैं, और उन चिंताओं में हम हमेशा परिस्थितियों के जल्दी ठीक हो जाने के विषय में परेशान रहते हैं कि परिस्थितियां कैसे जल्दी से ठीक हो जाए, कैसे उपाय निकल आए, कैसे रास्ता निकल आए और हम सब कुछ बढ़िया बढ़िया देखने पाए। कोई गलत सोच नहीं है, बहुत अच्छी सोच है, पर विशेष रूप से हमको यहाँ पर जो ये घटना सिखा रही है, जब वे यीशु के पास में आए तो यीशु मसीह ने कुछ उनसे विशेष बातें की, और जब चेलों ने उन बातों को सुना तो वहां पर चमत्कार पैदा होने पाया। जब चेलों ने यीशु मसीह के बात को अपने जीवन में जगा दिया तो वहां पे एक परिवर्तन आया। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम्हारे पास में यहाँ पर का है, जो क्या है, जो है उसे मेरे पास में लेकर आओ, लेकर आओ। जब वो 5 रोटी और 2 मछली को वहां पर लेकर आते हैं तब चमत्कार होने पाता। कई बार हमको यीशु मसीह क्या कह रहे हैं ये समझ में ही नहीं आ रहा होता है, हम बस प्रार्थना कर रहे होते हैं, हम बस रो रहे होते हैं, हम बस परेशान हो रहे होते हैं, हम चिंता कर रहे होते हैं, उलझनों में फंसे हुए होते हैं, क्या करें कुछ नजर नहीं आ रहा होता है। पर हम यीशु मसीह से प्रार्थना करने के बावजूद भी कुछ सुन नहीं पा रहे होते, क्यों, क्योंकि हमारा मन केवल चिंता से भरा रहता है, केवल उलझन से भरा रहता है, और जो चिंता है वो हमें परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ने से रोकती है। हाँ प्रियो, जो चिंता है वो हमें परमेश्वर को सिंहासन पर देखने से रोकती है, जो चिंता है वो परमेश्वर की महिमा को हमारे जीवन में कार्य करने से रोकती है, क्योंकि हम वहां पर परमेश्वर को चिंता के साथ में देख रहे होते, विश्वास के साथ में नहीं देख रहे होते, उसको सिंहासन पर नहीं देख रहे होते, हमको बस अपनी परिस्थितियां ही बहुत भारी लग रही होती हैं, अपना दुख ही बहुत बड़ा लग रहा होता है, जो समस्या है उसमें से बस तुरंत रास्ता निकल आए, बस हम उधर ध्यान लगाए होते हैं। परमेश्वर क्या कह रहे हैं, प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं, हमारा ना मन उस ओर लग रहा होता है, ना कान उस ओर लग रहा होता है, और चिंता करने के कारण हम परमेश्वर की आवाज को प्रियो सुन नहीं पाते हैं। मैं आपको एक कुंजी देना चाहूंगी, यदि आप परमेश्वर की आवाज सुन नहीं पा रहे हैं, अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको बहुत ज्यादा शक है, उलझन है, आप परमेश्वर का वचन उठाएं और पढ़ना शुरू करें।
आप अपने दिमाग को, अपनी भावना को ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने विचारों को ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते। जब आप वचन को पढ़ना शुरू करेंगे, सारी बातों को किनारे करिए, थोड़ी देर रुक जाइए। जैसे कि जब हम भूखे होते हैं प्रियो, तो हम क्या करते हैं? हम सब चिंता कर रहे होते नहीं, हम या फिर खाना बनाएंगे या हम खाना खरीद के ले आएंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से हम जल्दी से खाना खा ले और हमारा पेट भरने पाए। यदि आप परमेश्वर के सामर्थ को, चमत्कार को देखना चाहते हैं प्रियो, वचन उठाएं। आप आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं, आप वचन उठाएं। प्रभु की आवाज को बहुत दिनों से नहीं सुना है, वचन उठाएं और पढ़ना शुरू करें। आप पढ़ना शुरू करें, अपने मन को जबरदस्ती वचन की ओर लगाएं। शैतान गेम खेलेगा, बहुत सारे काम, बहुत सारे फोन कॉल्स, बहुत सारी जरूरत बातें आपको नजर आएंगी, पर आप रुक जाएं, थोड़ा ठहर जाएं, क्योंकि ये चिंता आपको खोखला कर रही है, ये चिंता आपको अशांति में लेके जा रही है, ये चिंता आपको दिक्कतों में लेके जा रही है, ये चिंता आपको बहुत ज्यादा बोझ से भर रही है, जिसके कारण आपको नींद नहीं आ रही है, आप परेशान है। रुक जाए, थोड़ा रुक जाए, वचन पढ़ना शुरू करें। आप जब वचन पढ़ेंगे, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, ये एक ऐसी कुंजी है जो आपके जीवन में परमेश्वर के दरवाजे को खोल देगी, परमेश्वर की सहायता को खोल देगी और आप प्रभु की आवाज को सुनने पाएंगे। हम परमेश्वर के वचन से एक और हिस्से को देखेंगे, फिलिप्पियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 6 और 7 पद। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जब आप परमेश्वर को प्रियो सिंहासन पर देखेंगे, जब आप परमेश्वर को उसकी महिमा में देखेंगे, अपने पिता के रूप में देखेंगे, तो प्रियो आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वो धन्यवाद में बदल जाएगी। क्योंकि आपको जब ये समझ में आ जाएगा कि मेरा पिता परमेश्वर हमेशा सिंहासन पर विराजमान है और उसके नियंत्रण में सब कुछ है, क्योंकि वचन इन्हीं बातों से भरा हुआ है। जब आप ऐसे वचन से अपने हृदय को भर लेंगे, तो आप परमेश्वर को उसके सिंहासन पर देखने पाएंगे। आप देखने पाएंगे कैसे कैसे परमेश्वर ने हमेशा से अद्भुत रीति से कार्य किया है और उसके नियंत्रण में सब कुछ है, सब कुछ है। तो हमारी जो प्रार्थना है, जो हमारी विनतियां है, वो धन्यवाद में बदल जाएगी, क्योंकि हमारा पिता है जो हमें देख रहा है, जो हमें संभाल रहा है, जिसको हमारा आना जाना पता है, जिसको हमारा उठना बैठना पता है, जिसको हमारे बोझों की चिंता है कि कैसे हम विश्राम को पा जाए, क्योंकि हम उसको अब कहां देख रहे हैं, सिंहासन पे देख रहे हैं। क्योंकि जब वचन मन में आता है, तब प्रियो परमेश्वर की शांति आती है, क्योंकि वो विश्वास को पैदा करती है, क्योंकि परमेश्वर के वचन को सुनने से ही विश्वास पैदा होता है। और वचन के अनुसार जब हम परमेश्वर की शांति से भर जाते हैं, तो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि वो जो परमेश्वर की शांति वो क्या करती है, वो हमारे विचारों को, हमारे मनों को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित करती है। हम दुष्ट के उस आक्रमण से, जो चिंता के माध्यम से हम पर वार करने के लिए जो बनी है दुष्ट की चाले, आप उससे बच जाएंगे। मन को शोकित होने से आप बचा लेंगे, मन को टूटने से बचा लेंगे, हार मानने से आप बच जाएंगे, क्योंकि आपके मन में परमेश्वर की शांति आ जाएगी। और जब परमेश्वर की शांति आ जाएगी प्रियो, आपका मन आनंद से भर जाएगा, आप फिर चिंता में डूबे नहीं रहेंगे, आपका बोझ आपको दबाने नहीं पाएगा, क्योंकि जो परमेश्वर की शांति है वो हमारे मनों को और हमारे विचारों को सुरक्षित करती है। वहां पे दुष्ट गेम खेलने नहीं पाता, वहां पे वो अपनी रणनीति के द्वारा हमको निराशा में डुबाने नहीं पाता है, क्योंकि क्या है, अब हम प्रभु परमेश्वर की शांति से सुरक्षित है, हमारा मन सुरक्षित है, हमारे विचार सुरक्षित है, और हम क्या करते हैं, यहाँ पर चमत्कार देखने पाते हैं, जैसे इन चेलों ने और उन 5,000 से ज्यादा लोगों ने परमेश्वर के उस आश्चर्य कर्म को अनुभव किया। कब?
जब चेले अपनी उस बिनती को प्रभु यीशु मसीह के सामने लेकर आने पाए और जो यीशु मसीह ने उनसे कहा, जब उन्होंने उन कामों को किया तो एक बड़े चमत्कार ने उस जगह पे, उस स्थान में, उस आशा कर्म के एक रूप को वहां पर लेने पाया। ये एक बहुत सोचने की बात है प्रियो। चिंता हमेशा हमको परमेश्वर के विरोध में लाके खड़ा करती है। आएंगी प्रॉब्लम्स, पक्का आएंगी, पर जो लोग परमेश्वर के वचन से भरे रहते हैं, विश्वास से भरे रहते हैं, उनकी जो प्रार्थनाएं हैं वो धन्यवाद में बदल जाती, क्योंकि हमारे परमेश्वर के पास में प्रियो हमेशा उपाय है। उसके पास में आपके लिए असीम शांति है जो आपको सुरक्षा देती है। उसके पास में वो हमेशा का आनंद है जो परमेश्वर के लोगों के लिए दृढ़ गढ़ ठहरता है। संकट में अति सहज से मिलने वाला हमारा सहायक जो हमको चाहता है कि हम उसकी सुने। चिंता करने के बजाय प्रियो ये सुने कि प्रभु आपसे क्या कह रहा हूं। मैं फिर से बोलना चाहूंगी, यदि आप प्रभु की आवाज सुन नहीं पा रहे, आप वचन उठाएं, पढ़ना शुरू करें। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे वचन को पढ़ने से रोकने के लिए, बहुत सारे दुष्चालों को चलेगा, पर आप उधर ना जाएं, रुकें, वचन को पढ़ें। प्रभु आपसे अवश्य बात करेंगे और बड़े आशा कर्म आपके जीवन में जगह लेने पाएंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमको कभी निराशा में देखना नहीं चाहते, आप हमको उलझनों में देखना नहीं चाहते, बोझ से दबे हुए देखना नहीं चाहते। आपकी इच्छा है हम आपकी शांति को पाने पाए, आपकी इच्छा है हम बड़े आशा कर्मों को देखने पाए, आपकी इच्छा है कि हमारे अद्भुत रास्तों को अपने जीवन में खुलते हुए देखने पाए, नए नए खामों को देखने पाए। प्रभु आप हम सब के, हमारे सारे प्रियो के विश्वास को बढ़ाएं कि वो चिंता करने के बजाय ये देखने पाए, ये सुनने पाए कि आप उनसे क्या कह रहे हैं, आपका वचन उनसे क्या कह रहा है, क्योंकि आपकी बातें ही, आपका वचन ही बदलाव लाता है और आशा कर्म को पैदा करता है। धन्यवाद प्रभु, हमेशा अपने वचन के द्वारा, अपनी अगुवाई के द्वारा हमारी सहायता करने के लिए। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। वचन में बने रहें। जय मसीह।